जय जोहार संगवारी हो, श्रुति किचन विलेज चैनल में आप मन के स्वागत है। तो आज हमन अपन रसोई में बनाबो इडली। तो बिल्कुल नरम और मुलायम इडली बनाबो हम। देखबो देखा एकदम कोमल कोमल इडली है, छूते ही दबत है भाई, इसना एकदम स्पंजी इडली बने हैं। तो इडली बनाए बर हमन ला चाहिए चावल। तो हम एक गिलास चावल भिगोए हन, रात भर हम चावल भिगो के रखे रहे हैं। और एमा एक कप हम उड़द दाल भिगोए हबन। तो ये मन बढ़िया से भीग गए हैं। उड़द दाल हम धो के साफ कर ले हन, चावल वाल दो तीन पानी धो डरे हन। अब इला मिक्सी में हम पीस लेबो। तो ये चावल हाँ और जो उड़द दाल है दोनों ला हम मिक्सी में पीस लेबो और पीस के एक घोल तैयार कर लेबो। तो चला इला मिक्सी में पीस लेथन हम। अगर आप मन के पास मिक्सी नहीं हुई तो आप मन इला सील से भी पीस सकत हो, सील में भी बढ़िया से चिकना पिसा जाते। तो एल पीस लेथन। एमा हम उड़द दाल एकर कारण डाला थन ताकि उड़द दाल डाले में बिल्कुल इडली नरम बनते। तो मिक्सी के जार में हम ये चावल और उड़द दाल डाल देबो और थोड़कीन पानी भी डालबो ताकि हमला इला थोड़ा गीला घोल तैयार करना है हमला। अब पीस लेबो इला हम। तो देखा संगवारी हो, हम अपन चावल और उड़द दाल पीस लेहन, घोल तैयार कर लेन पीस के। अब एला 2 घंटा के लिए ढक के रख देबो ताकि यह बढ़िया से आटा और अच्छा से फूल जाही, फर्मेंट हो जाही। रात भर एला भिगा के रखे रहने कर कारण तो बहुत हद तक ये जो घोल है वो फर्मेंट हो गए चावल रही तबे। अब एमा हम 2 चम्मच दही डाले हावन। अब इन मिला लेबो और ढक के रख देबो। तो 2 घंटा पूरा हो गया। आप चाहो तो 4 घंटा भी कर सका था, जल्दी बनाना है 2-1 घंटा कर सका था। तब एक आटा ला खोल लेथन। अब इला मिला लेबो हम चम्मच से। तो बढ़िया लेला हम मिला लेथन चम्मच से। तो देखा ये तरह ले हमला चम्मच से हिलाना है, बढ़िया गाढ़ा फूल गए है हमार जो घोल है वह। अब इमा हम इनो डालबो। तो 1 पैकेट हम इनो ले हाँ बन। आज मैं इनो से इडली बना था। आप मन इनो नहीं है तो खाए के सोडा और बेकिंग पाउडर ये दोनों के उपयोग कर सकत हो। 1/2 चम्मच खाए के सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के बना सकत हो। तो इनो सबसे झटपट बनने वाला है। तो 1 पैकेट इनो ला हम डालबो। तो डाल देता इनो ला हम। तो इनो डाल दें। अब थोड़ा से हम पानी डाल माँ हल्का से एक्टिव करे बार। अब इला मिला लेथन। तो एक साइड से हमला मिलाना है इस तरह ले चम्मच से ला घोल लेबो। और ये हमार जो घोल है वो बिल्कुल तैयार है, हमार इडली वाला घोल बन के तैयार हो गए। अब इला हम इस तरह ले अच्छा ले मिला लेथन। अब इमा हम 1 चम्मच नमक डाले हबन। इला भी अच्छा से घोल लेबो, मिक्स कर लेबो, मिला लेबो। तो हमार जो घोल है बढ़िया से तैयार हो गए। देखा पूरा बुझ बुझा झाग फल गए है। अब हम हमार स्टीमर हबाए ओमा पानी ल चढ़ा देथन। तो देखा हम उन्ना 1/2 स्टीमर में पानी करें जो किनारी होकर नीचे तक पानी रखे हैं। अब ये इडली साँचा में हम एमा किन तेल ल डाल के जमे साँचा में तेल ल लगा लेबो। एकर से हमार जो इडली है वो साँचा में नहीं चिपक ही। तो दोनों साँचा में हम यही तरह ले लगा लेबो। अब एमा हम इडली के जो घोल बनाए हैं ओला डालबो। सहायता ले हम इम घोल ला डाला थन। तो जमे साँचा में हम थोड़ा थोड़ा उन्ना उन्ना ही हमला घोल ला डालना है, एकदम फूल नहीं करना है साँचा ला। तो ये तरह ले थोड़ा खाली खाली जगह रखना है। तो हम दोनों साँचा में घोल डाल देथन और फिर देख लेथन कि स्टीमर हमार तीपे है कि नहीं। पानी जब उबाल आ जाए तो मैं फिर तो जमे साँचा में हम घोल डाल दे हाँ बन। अब हमार जो स्टीमर है वो उबाल आ गए है। अब हम साँचा चढ़ा देथन। तो ये तरह ले हम दोनों साँचा ले रख देबो, फिर ढक्कन ला ढक देना है माँ। और ये ला हम 20 मिनट के टाइम में सेट कर देबो। तो 20 मिनट तक हमला इडली ला पकाना है। 20 मिनट के बाद हम इडली ला खोल के देखथन।
तो देखा हमारी इडली बन के तैयार हो गए, बिल्कुल अच्छा से पक चुके हैं, एकदम फूले फूले इडली बन के तैयार हुए हैं। अब कुछ देर तक अभी लाँच नीचे उतार लेना है और कुछ देर तक ठंडा होने देना है। अब चम्मच डाल के देखें, चम्मच एकदम बिल्कुल क्लीन है, तो बिल्कुल रिस्पॉन्जी इडली बन के तैयार हो गए है। अब ठंडा हो चुके हैं, अब इडली ला हम बर्तन से निकाल लेबो, किनारा किनारा थोड़ा छुड़ा लेबो चक्कू की सहायता ले और इला निकाल लेबो। तो चला निकाल लेते हैं, तो देखा बढ़िया हमार जालीदार इडली बन के तैयार हो गए, बिल्कुल नरम नरम मुलायम इडली। इला आप मन सांभर नारियल चटनी के साथ मज़ा ले सकता था, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गए। हम नारियल चटनी के भी वीडियोस अपलोड कर दे हैं, आप मन हमारे वीडियो चैनल में जाके देख सकता था। तो आशा करा था हमारे वीडियो पसंद आई सोई, वीडियो पसंद आई सोई वीडियो ले लाइक शेयर जरूर कर, कैसा लगी चलो कमेंट के जरिए हमें जरूर बता। अगर आप मन हमारे चैनल में नया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना भूला, जो बेल आइकन का बटन है वाला जरूर टच कर है, एक से आप मल्ला हमार नवा नवा वीडियो के बारे में जानकारी आप मल्ला सबसे पहली मिल ही। तो आशा करा था आप मल्ला हमार वीडियो पसंद आई सो ही, तो आप मन भी हमार वीडियो वाला देख के इडली बनाए ला जरूर सीखो। हमार वीडियो वाला आप मन पूरा देखे एक लिए आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई सो ही तो वीडियो ला अपन संगी संगवारी रिश्तेदार मन सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर है। हमार इडली और नारियल के चटनी सांभर बन के बिल्कुल तैयार है। तो अपन वाड़ी ला मैं यही मेरे विराम देवा था और नया वीडियो के साथ फिर आपके साथ मिलूँ। जय जोहार।